फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है हमारा, इस वीडियो का वो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया कि इस वीडियो का क्या टॉपिक रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप टीवी सीरियल में वर्क करना चाहते हो, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, आपके अंदर कितनी एक्टिंग आनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए वो भी टीवी सीरियल में वर्क करने के लिए, तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने में। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, आप विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, आप सोचते हैं कि आप टीवी सीरियल में वर्क करना चाहते हैं, ओके, तो आपको ये कैसे करना होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है, तो इसी टॉपिक पे फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपके अंदर एक्टिंग आनी चाहिए, ओके, तो एक्टिंग आपको कैसे सीखनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सपोज टीवी देखते हैं, ओके, आप अपना टेलीविज़न देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करनी है कि कोई भी एक्टर कोई भी डायलॉग बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, उसकी वॉइस कैसी होती है, तो ऐसे भी आप कुछ अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। आप टीवी सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे जो एक्टर है, जो करेक्टर प्ले कर रहा है, वो कैसे प्ले कर रहा है, ओके, तो इसको भी आप देख सकते हैं और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो अपनी एक्टिंग को आपको इम्प्रूव कर लेना है, और ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, और इसकी काफ़ी बैचेस भी चलती है, मुंबई में इसकी बैचेस भी चलती है, और बहुत जगह पे इसकी एक्टिंग क्लासेस के नाम पे आपसे पैसे भी लिए जाते हैं और आपको लूटा भी जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो मेरे पॉइंट ऑफ से ये बेस्ट रहेगा, आप पहले जो टीवी सीरियल देखते हैं, ओके, वहाँ पर आप जो एक्टर है जो भी डायलॉग बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहती है, इससे भी सीखें, और अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, ओके, और खुद के अपने वीडियो बनाएं और अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करें, अपनी वॉइस टोन को इम्प्रूव करें फ्रेंड्स, ओके। तो ऐसे भी आप कुछ अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो आपने अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर लिया, उसके बाद ये आपको घर पर कर लेना है, ये मुंबई जाकर आपको नहीं करना है फ्रेंड्स, ओके, ये आपको अपने घर पर कर लेना है। तो आपने अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव कर लिया, फिर आपको अपनी लैंग्वेज, ओके, आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपको हिंदी लैंग्वेज का, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करना है। सपोज आप हरियाणा से रहते हैं या बिहार से या राजस्थान से, तो वहाँ पे हिंदी को कुछ अच्छे से नहीं बोलते हैं फ्रेंड्स, ओके, तो आपको शुद्ध हिंदी का यूज करना है, वो भी अच्छे से घर पे ही इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, लैंग्वेज की और एक्टिंग की, ओके। उसके बाद आपके अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए फ्रेंड्स, ओके, आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, आपको इतनी आनी चाहिए कि आप कुछ समझ सकें, ओके, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ओके। तो आपकी एक्टिंग भी आपने अच्छे से सीख ली, ओके, और आपने अपनी वॉइस पे भी काम कर लिया, अपनी लैंग्वेज पे भी काम कर लिया, और आपके ने अपनी इंग्लिश भी अच्छे से सीख ली फ्रेंड्स, ओके। तो ये सब आपने प्रिपरेशन कर ली, इसके बाद आपको पहले, सबसे पहले क्या करना है, मुंबई जाने से पहले वहाँ पर ये इस चीज़ को कंफर्म कर लेना कि आपको रहना कहाँ पर है, प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे है, और एक्टिंग के नाम पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ऑडिशन के नाम पे कोई भी पैसा नहीं देना है फ्रेंड्स, ओके। जो आपसे लोग पैसे मांगते हैं ऑडिशन के नाम पे कि मैं आपको वर्क दिला दूंगा, आप मुझे 2,000 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, या 5,000 रुपये दे दो, या 20,000 रुपये दे दो, तो फ्रेंड्स वो लोग फ्रॉड हैं, उनसे आपको बचना है, खुद सेव रहना है और दूसरों को भी अवेयरनेस देनी है फ्रेंड्स, ओके। तो एक्टिंग के नाम पे, ऑडिशन के नाम पे आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है, जो रियल प्रोडक्शन हाउस होता है, क्योंकि वहाँ के जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो करोड़ों की सीरियल मूवी बनाती हैं, वो आपसे 5-10 हज़ार रुपये लेके क्या करेंगे फ्रेंड्स। ये वही लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं कि मैं आपको काम दिला दूंगा, मुझे 5,000 रुपये अग्रीमेंट का देना होगा, या कोई भी किसी भी तरह का बहाना दे के आपसे पैसे ले लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं और आपके पैसे डूब जाते हैं। तो आपको कैसा भी किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं पे करना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये आपको अपने माइंड में रखना है। तो मुंबई जब आपको जाना है तो आपको पहले वहाँ पे अपना रूम देख लेना है, और रूम देखने के बाद आपको ऑडिशन देते रहने, आपको कंटिन्यू ऑडिशन देते रहने हैं, मैक्सिमम एक दिन में 4 से 5 ऑडिशन आपको देते रहने हैं, और अपनी एक्टिंग को भी अपने रूम पे इम्प्रूव करते रहना है फ्रेंड्स, ओके। और अगर आप एक्टिंग की
थिएटर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके पास इतना बैलेंस है तो वो भी आप मुंबई में कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो में आप समझ चुके हैं इतना। ओके, तो फ्रेंड्स मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ 10 एपिसोड की, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे आपको एक्टिंग कैसे इम्प्रूव करनी है और मुंबई में जाके काम कैसे मिलेगा। ओके, आपको स्टार्टिंग से इंड तक उस सीरीज में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। तो मेरी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लुक। अगर फ्रेंड्स आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का या किसी अदर टॉपिक का वीडियो देखना है तो मेरा कमेंट बॉक्स खाली है, आप अपना कमेंट कीजिए, मैं वहीं पे उसका आंसर करूंगा। अदरवाइज उस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करके आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड लुक, जय हिंद फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर।